हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनवर खान। साथियों, यूपी में निकाय चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अब तो शायद मुझे लगता है कि सभी नगर पंचायत अध्यक्षों ने और नगर पालिका अध्यक्षों ने, महापौर, सभी लोगों ने शपथ भी ले ली है। साथियों, हम बात अगर ज़िला बदायूं की करें तो यहाँ सूबे के मुखिया की एक सभा हुई और उस वक्त ये लगा कि इस बार भाजपा का जो प्राथमिकता है वो बदायूं की ऐसी सीटों पर है जहां पर भाजपा कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है या जहां परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। बदायूं में ही एक कस्बा है सहसवान, जिसके बारे में चर्चा ये थी कि इस बार भाजपा जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है। उसके दो कारण थे, एक तो ये कि भाजपा की हमेशा से सहसवान पर नज़र रही है। अगर हम बात करें पिछले राजनीतिक चुनावों की तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है सहसवान। जब भाजपा की लहर थी तब भी वो सहसवान का किला नहीं बैठ पाए। उसके बाद अगर हम पिछली बार की बात करें तब भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह यादव के पुत्र ब्रजेश यादव हुए, तो सहसवान पर नज़र रहती है। और दूसरा जो कारण मैंने आपसे कहा कि दो कारण है, दूसरा कारण है यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी का बहुत मजबूत होना। पिछली बार उनको 7,000 से अधिक वोट मिले, इस बार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज था लोगों में कि इस बार सहसवान से अगर फाइट होगी तो भाजपा के साथ होगी। जो भाजपा कभी बहुत अच्छी तरह से नहीं उभर पाई सहसवान में, लेकिन इस बार ये लग रहा था कि भाजपा से फाइट होगी। और साथियों, हुआ भी है। भाजपा का यहाँ से, जो भाजपा की हम बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे अनुज माहेश्वरी थे, मेरे दोस्त भी हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक अच्छी पकड़ है उनकी। इस वजह से लोगों को ये लग रहा था कि इस बार जो है भाजपा बहुत स्ट्रॉन्गली फाइट करेगी और ये सीट भाजपा जीत सकती है। साथियों, पिछले एक डेढ़ महीने से मैं भी लीव पर रहा, पत्रकारिता से छुट्टी ली और बहुत सारी चीज़ें इस बीच में घटित हुई सहसवान में। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए कि जिसको लेकर सहसवान कई बार अति संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया और लगा कि कहीं कुछ ऐसा सहसवान में ना हो जाए जो सहसवान का इतिहास है, एक गंगा जमुना तहजीब को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि सहसवान के उस इतिहास पर कलंक लग जाए जिसको हमारे बुजुर्गों ने बचाए रखा है। हम सहसवान के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल रहता है। अगर आप होली पर जाएंगे तो लोगों को आपको मुसलमान मिलेंगे गुजिए खाते हुए घरों में। उसी तरह से अगर आप ईद पर जाएंगे तो मुस्लिम घरों में आपको हिंदू भाई मिलेंगे आपको सेवैयाँ खाते हुए। तो साथियों, सहसवान का जो है कि इस तरह का मिजाज रहा है और उस मिजाज में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है वो हमारे बुजुर्गों ने निभाई है। इस बार कई बार ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सहसवान में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाए कि सहसवान के इस सुनहरे जो अतीत है उस पर धब्बा लग जाए और सहसवान के अंदर कुछ ऐसा अप्रिय घटित ना हो जाए जो सहसवान की एक साख पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है कि सहसवान एक बेहद प्रेम का, सौहार्द के प्रतीक के रूप में एक नजर आता है। तो साथियों, इस बार ऐसा होते होते कई बार रह गया। हम इस निकाय चुनाव की बात करें तो मेरे दोस्त अनुज माहेश्वरी इस वक्त मेरे साथ हैं। इलेक्शन पीरियड में तो हमारी कोई बात, कोई चर्चा, कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया। अब मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम कि हम एक दूसरे से बात करें, क्योंकि दोस्त भी हैं और मैं पत्रकार हूं और वो अब पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो गए हैं तो एक दूसरे से बातचीत हमारी होती भी रहती है। लेकिन वो एक अलग बात है कि जब हम ऑफ कैमरा होते हैं तो आज भी दोस्तों की तरह होते हैं। इस वक्त मेरे सामने अनुज माहेश्वरी हैं। अनुज माहेश्वरी का बहुत बहुत स्वागत। बड़े भाई, ये सब जो अनुज भाई पूरी सिचुएशन हुई इलेक्शन में, अगर हम सहसवान की बात करें तो इस बार लग रहा था कि भाजपा तुलनात्मक स्थिति अगर देखें तो इस बार कहीं ज़्यादा मजबूत थी और ये चर्चा आम थी कि इस बार सहसवान से भाजपा जो है वो जीत सकती है। आखिर ऐसी क्या ऐसे कारण रहे कि इलेक्शन ये आप हारे और किस तरह, क्या ऐसी चीज़ें रहीं इसमें? अनवर भाई, जहाँ तक, अब चूंकि मैं तो अभी अचानक हम लोग ऐसे बैठ के, मैं तो कहीं जा भी रहा था। जी जी, तो नहीं तो देखिए इस वक्त आपको हमारा कैजुअल लुक देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एक दोस्ताना मुलाकात है, बट क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और वो पॉलिटिशियन है तो लगा इसको भुना लिया जाए, तो भुनाने के लिए बैठ गए जी। तो अगर ओरिजिनली हम लोग बात करें जो मूल रूप से बात है उस दिन की, जिस दिन वोट खोल रहे थे, काउंटिंग वाले दिन जी, बिल्कुल गैर राजनीतिक बात किए हुए, सीधे सीधे अगर हम सहसवान की बात करें, बहुत योजनाबद्ध तरीके से सहसवान की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की नीयत से या उन
जो जज्बात हैं सहजवान के अंदर उनका नाजायज फायदा उठाने की नीयत से ये बड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। एक टीम इसमें लगी बाकायदा, कोई बसौलिया गया, कोई जौनेरा गया, कोई आसपास के और जो नसीरपुर गया, कोई और गांव में गया, वहाँ जा जाकर लोगों से एक दिन पहले मिलना और मिल करके ये कहना कि कल इंतज़ाम से आपको वहाँ आना है। अच्छा, ये हुआ है? ये हुआ है। और वहाँ आपको आकर के रहना है, और इंतज़ाम से आने का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि आपको वहाँ इंतज़ाम से आना है और वहाँ रहना है। तो ऐसी चीज़ें करने के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई घातक योजना रही होगी, जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप उस दिन सड़क पर देखने को मिला। काउंटिंग हो रही थी, ये रूमर जब फैलाई गई कि अंदर फलां को गोली मार दी, फलां की पिटाई कर दी, मैं जहां तक समझता हूं आप भी शायद काउंटिंग में रहे, मैं था। तो मैं आपसे भी अगर पूछूं कि अंदर का माहौल क्या था, तो आप बखूबी जानते हैं अंदर क्या माहौल था। कोई जो अपना शौक चाय का रखता है वो आराम से अंदर अपना चाय पी रहा है, कोई अगर पान मसाले का रजनीगंधा का शौक रखता है तो आराम से अपना रजनीगंधा खा रहा है, कोई आदमी जो अपना सबसे आराम से मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं, यही नहीं पता चल रहा कौन किसका है, वो उस पार्टी वाला आदमी उस पार्टी वाले को अपनी रीडिंग नोट करा रहा है, वो बात कर रहे हैं यार तुम्हारे वाले बूथ पे देखो हमारे 100 वोट निकला है, वो कह रहे हैं अरे यार तुमने भी तो हमारे बूथ पे यार 75 वोट ले लिए। इस तरीके से बड़ा हल्का फुल्का सब वहाँ चल रहा था, कोई ऐसी तनाव की स्थिति अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं तो ये कहता हूं जिन लोगों ने अफवाह फैलाई वो लोग चिन्हित हों, और आज उनको सामने खड़े करके आज पूछा जाए कि बताओ किसकी पिटाई हुई, बताओ किसको झापड़ भी मारा, बताओ किसको गोली मार दी, फला जगह 3 लाशें पड़ी हुई हैं, फला जगह आग लगा दी गई। ऐसी योजनाबद्ध तरीके से अफवाहें उड़ा करके शहर का माहौल खराब किया गया। किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक पक्ष ने अपने आप को ये दिखाते हुए सहानुभूति बटोरने का और बहुत सारे लोगों को बाहर से आयातित करके ला करके माहौल खराब करने का काम किया। मैं तो ये कहता हूं 5वें राउंड तक हम लोग सब साथ में थे। एक चीज मैं आपको रोकूंगा, वहां पर हमने देखा कुछ लोग तो थे जो एग्रेसिव थे, जो इस तरह की चीजें कर रहे कुछ थे लोग, और बिल्कुल, और मैं एक बात आपको पूरी करूंगा, उसमें जो थे वो कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट थे वो लोग जो ज्यादा एग्रेसिव। मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। देखिए जब आप काउंटिंग में होते हो जी, काउंटिंग में होने का मतलब है कि आप अपने जिस पक्ष की तरफ से आप आए हो उसके लिए एक एक वोट पे आप नजर रखोगे, ये बहुत नेचुरल बात है। वहाँ कई वाक्य हुए, ये 4 वोट ये कैंसिल नहीं है, दूसरा वगैरह कैंसिल है, तो उसको लेकर के आपस में बातचीत होती है। मैं जितनी भी टेबल पे गया, अगर आपको ध्यान में आए तो मैंने कहा ये आप लोगों को लड़ने का सब्जेक्ट नहीं है, आप उसको आरो टेबल भेजिए वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। 100% मेरी कोशिश ये रही। इसी तरह एक जगह पर 40 वोट जो थे कैंसिल हो गए थे, और कैंसिल होने के बाद में वो एक पक्ष की गड्डी में उनको मिला दिया गया, गलती से हुआ या कैसे हुआ, तो दूसरे पक्ष ने उसका विरोध किया। फिर जो पहला पक्ष था उसके लोगों ने वहाँ पर अभद्रता की, उसके कारण वहाँ पे माहौल में थोड़ी सी गर्मी आई। अच्छा, दूसरे पक्ष के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार भाजपा की, सब कुछ भाजपा के हाथ में, हम कैसे मिला सकते हैं। अनवर भाई आप एक बात जहन से ये निकाल दीजिए, ये जो गलतफहमी लोगों के जहन में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% ईमानदारी से काम करती है। 100% माने 100%, अगर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं। आप उठा करके देख लीजिए सहजवान में कितने आवास किसको मिले हैं, कहीं कोई भेदभाव आज तक नहीं हुआ है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है ईमानदारी की, जहां तक बात है 100 वोट के लगभग फर्क रहा वजीरगंज में, हमारा जो कैंडिडेट था जो महिला थी उनको 100 वोट के अंतर पे वो चुनाव हार गई। क्या ये किसी और सरकार में आपने देखा? अगर सरकार ईमानदार ना होती, कोई भी अगर पक्षपात पूर्ण रवैया करने का इरादा जरा सा भी सरकार का होता, तो क्या 100 वोट से हमारा कैंडिडेट चुनाव हार सकता था क्या? ये तो है बात, इस बात का मुझे कोई जवाब दे दे फिर मैं इस पे आ जाऊं। आप जहां तक कह रहे हो सरकार की बात, सरकार का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए आप मेरी बात वापस वहीं, ये स्पेशली तब की बात बता रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, क्योंकि अगर होता तो फिर किस बात का चुनाव है? मैं क्योंकि आपको पता है मैं मतगणना में मौजूद था, फोन मेरे पास थे नहीं, तो ये जो अफवाहों की बात है, हालात ये थे अफवाहों के कि हमारे जो भांजे हैं फरदीन वो ढूंढ रहे थे सब जगह
कि मामा तक की कोई खबर मिल जाए। और घर पर जब मैं पहुंचा हूं तो बीवी रोती हुई मिली पत्नी, और उन्होंने ये कहा कि आज के बाद जिंदगी में जाएंगे नहीं आप किसी उसमें। मैंने कहा हुआ क्या कि मुझे किसी ने ये बताया था कि 5 लोग मर गए, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो मैंने कहा ये बातें छोड़ो, मुझे भूख लग रही है और रो मत, कुछ भी नहीं हुआ, देखो सही सलामत खड़ा हूँ। उसके बाद अनुज भाई, मैंने कहा मुझे कुछ खाने को तो भूख लग रही है। जब मैं खाना खाने बैठा, पहला निवाला तोल के खा भी नहीं पाया, उसी बीच में 2 फोन आए कि अनवर भाई क्या जहीराबाद पे किसी के 2 लोग गोली मर गए, क्या शहबाजपुर में किसी मकान में आग लगा दी। उसके बाद मैंने लिटरली, मेरे पास अभी भी मेरे पास डिटेल है, मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर विशाल प्रताप सिंह को, तो उन्होंने कहा अनवर भाई बताइए। मैंने कहा इस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है। बोले मुझे बताइए कौन फैला रहा है। मैंने कहा ये कोई फैला नहीं रहा है, लोग मुझसे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए इंस्पेक्टर, आप इन अफवाहों पर लगाम लगाइए वरना सहसवान का माहौल खराब हो जाएगा। ये उस वक्त मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। सहसवान का माहौल खराब करने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी, जितने भी जैसे जो सभी लोगों के समर्थक होते हैं जी, जैसे ही माहौल खराब होने लगा तो हमारे जितने भी हमारे समर्थक रहे होंगे उन लोगों पे सूचना पहुंचाने का हमने प्रयास किया कि कोई भी ऐसा ना हो कि आमने सामने आ जाए किसी तरह और कोई बात बने बिगड़े। उनको हम लोगों ने एक जगह पर हटा के उनको किया कि आप यहाँ से जाइए, आपको यहाँ नहीं रहना है बिल्कुल। अगर हमारे मन में कहीं कुछ होता तो अगर 10,000 लोग आप इकट्ठा कर रहे हो तो क्या 1,000-2,000 लोग हमारे समर्थन में इकट्ठा नहीं होते, आप मुझे बताओ। तो ये पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से बाजार में, हमें नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बाजार में चौराहे पे किसी आदमी ने अपना जो है शटर डाउन कर, अरे क्या कर रहे हो वहाँ आग लग, ये जांच के विषय है। मैं तो चाहता ये हूँ कि प्रशासन इसमें एक बारीकी से जांच करे, ये तय करे, कम से कम जहन में तो रखे ना कोई कार्रवाई, कम से कम जहन में तो रखे कि ऐसे कौन लोग हैं जो शहर की आबो हवा खराब करने का इरादा जिनके दिल में रहता है। मुझे, मैं तो एज ए पत्रकार से ज्यादा, एज ए सिविलियन, एज ए सिटीजन ऑफ सहसवान ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर था कि अगर खुदा ना खास्ता उस दिन कुछ ऐसा हो जाता, जैसे कि संभावनाएं तो बनी गई थी भाई, एक पूरा पक्ष के लोग जा रहे हैं, किसी भी पक्ष के हो सकते हैं वो, दोनों पक्षों में से, वो हिंदू पक्ष के भी हो सकते हैं, वो मुसलमान पक्ष में, रास्ते में किसी की दुकान खुली मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए और वहाँ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो राजनीति तो अपनी जगह रहेगी और ये इलेक्शन और ये चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंतित हूँ मैं कि जिसने भी ये किया नहीं करना था, क्योंकि सहसवान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सहसवान हमारी प्रायोरिटी है, सहसवान सुरक्षित है तभी तो हम लोग सुरक्षित हैं। अनवर भाई एक बात पे आते हैं, हम लोगों का पुराना इतिहास है, हम हमारे फादर, उनके फादर, उनके फादर, किस तरह से हम लोग सहसवान में रहते हैं उसको देखते हुए पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद मैं सहसवान में रहा हूँ, कब ऐसा किसी मौके पे लगा कि मैंने कहीं कोई फ़र्क की राजनीति यहाँ की है, किसकी मदद नहीं की है, किसका मैंने कोई काम अगर जाया जाया है तो वो नहीं किया है, कब ऐसा लगा किसी को, एक बार वो आदमी आ जाए, कब मैंने कहीं कोई फ़र्क किया है, या उसके बाद भी, ये चुनाव खत्म होने के बाद काउंटिंग के बाद भी कुछ लोग ऐसे मेरे पास आए कि यार वो मदद, कोई बात नहीं जो मुझसे हो सकता है करो, मैं सहसवान के लिए ही तो कर रहा हूँ, मेरा कोई और लालच है क्या? मेरा मकसद इतना ही तो था कि सहसवान में तरक्की के नए रास्ते खुलें, एक बार थोड़ा सा बदलाव जब आएगा तो नई चीज़ें निकल के आएंगी, नई सोच निकल के आएगी, यही तो प्रयास था ना, ये मेरा कोई व्यक्तिगत कारण तो है नहीं, मैं तो व्यापारी था। एक आरोप आप पर ये लग रहा है कि जब सहसवान में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं और कई नामी चेहरे जिनके बारे में कहा जाता है सभ्य है, सौम्य है, ऐसे लोगों को एजेंट न बनाकर बाहर से लोगों को बुलाया आपने, एजेंट बनाया उनको झगड़े के लिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने पोर्शन लिया है, ये पोर्शन किसी के भाषण से आपने लिया है या किसी के इंटरव्यू से आपने लिया है, क्योंकि किसी नेता ने किसी राजनीति में सक्रिय लोग हैं अभी हाल में चुने गए, हमारे चेयरमैन साहब भी एक दिन कह रहे थे, उन्होंने कहीं कहा कि अरे साहब 2-3 लोगों के उनके प्रिय लोग रहेंगे, उनके नाम भी उन्होंने लिए कि ये नेता थे इनको बनाना चाहिए था, तो हो सकता है उनके ज्यादा प्रिय रहे होंगे, मैं नहीं बना पाया तो उनको नहीं, उनका कोई प्रिय की तरफ नहीं था, उनका ये था कि भाजपा के ये लोग पदाधिकारी हैं, उनका आरोप ये नहीं था कि ये लोग क्यों रह गए, मतलब बाहर से क्यों बुलाए जब यहाँ पर मौजूद थे, क्या बाहर से लोग बुलाए गए थे वहाँ पर एजेंट बनाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं, बाहर से कोई नहीं, एक भी कोई एजेंट हमारा ऐसा नहीं था जो बाहर से हो, व्यक्तिगत तौर पे जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो लोग वहाँ पर थे, ठीक है, और काउंटिंग एजेंट बनने का जिनको तजुर्बा होता है, जो लोग ठीक से मतगणना में अपना पार्टिसिपेशन दे पाएँ, ठीक से लिख पाएँ, ठीक से उसको समझ पाएँ, क्या आंकड़े आए फौरी तौर पर उसको जोड़कर हम देख पाएँ कि किस राउंड में हमारा क्या हुआ, कैंसिलेशन कहीं हो रहा है हमारा, उन चीज़ों पर
तर्कपूर्ण रवैया इनका रहता हो, जो लोग इस चीज़ में सक्षम हो, ऐसे लोगों को काउंटिंग में रहना चाहिए। इसका किसी भी तरह से इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पार्टी के कौन लोग होने चाहिए थे कौन लोग नहीं होने चाहिए थे, ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। और जिन लोगों ने चिंता इस पर जाहिर की है, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ उन लोगों की उम्मीद रही होगी कि ये चेहरे वहाँ रहेंगे तो हमको उसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, कुछ लोग जो काउंटिंग एजेंट नहीं थे उसके बावजूद भी वहाँ पर न जाने किस तरह पहुँचने का प्रयास किए, तो उनकी भी मंशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी इस पूरे अध्याय में, ये भी चिंता करने का विषय है। और मैं चाहता ये हूँ उन गाँव में जहाँ से वो लोग आए थे, कौन लोग आए थे, क्यों आए थे, एक दफ़ा उनसे पूछता जो है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सहजबान की जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं मैं आज आपको बता दूं अनवर भाई, मैंने कभी कहा नहीं, मैंने कभी जवाब भी नहीं दिया। लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहे कि ये गंगा जमुनी तहजीब को ख़राब कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं, ये वहाँ पे बेईमानी कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा, तमाम तरह के झूठ इन लोगों ने फैलाए। और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग झूठ की राजनीति से अपने आप को बराबर स्थापित किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता मासूम है, यकीन कर लेती है, विश्वास कर लेती है इस वजह से। लेकिन वो झूठ क्या है ना कि ज़्यादा चलता नहीं है। आपने झूठ बोल दिया कि साहब वो वहाँ बेईमानी कर रहे थे, साहब वो ऐसा कर रहे थे, तो ये मुझे बता दो 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े क्षेत्र से लोग आ कैसे गए, आप मुझे बताओ। मैं एक तर्कपूर्ण बात आपसे पूछता हूँ अनवर भाई, क्या ये संभव है कि अचानक से तमाम पीछे इतने गाँव हैं वहाँ से उठ करके लोग वहाँ अचानक आ जाएँ, ये मुमकिन है क्या? या कोई ऐसी वारदात वहाँ हुई थी जिसको लेकर के बाजार को बंद कराया जाना चाहिए था? हम लोग अंदर थे, कितनी अफरा तफरी का माहौल शहर में हो गया। जिन लोगों ने शहर का माहौल देखा होगा वो तो कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है जब ये हो रहा है, जबकि उनको ये पता ही नहीं कि अंदर चाय वाला चाय पी रहा है, रजनीगंधा वाला रजनीगंधा खा रहा है, आराम से बैठा है, अपने वोट डिस्कस कर रहा है, वो पोल डिस्कस कर रहा है कि इस बूथ से इतने वोट निकलने चाहिए थे, कम निकले, यहाँ पे मुझे ज्यादा मिले, बाहर चर्चा चल रही है कि गोली मार दी, ये हो गया वो हो गया। जो अंदर था उसकी खबर तो बाहर आई नहीं थी, आई नहीं। अच्छा, बाहर था वो भी खबर नहीं आई थी, वो भी नहीं आई, बाहर क्या चल रहा है? तो अंदर सब सामान है और बाहर स्थिति तनावपूर्ण बना दी कुछ लोगों ने। मैं प्रशासन के लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं, मैं इंस्पेक्टर साहब का बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो कि उन्होंने कोई बड़ी अप्रिय घटना होने से और सहजवान में जो एक गंगा जमुनी तहजीब है उसको ख़राब होने से बचाया। मैं अपने फादर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता उनको हमारे मिले उन लोगों को लेकर के नहीं आप नहीं जाओगे क्योंकि आप जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो बेवजह झगड़ा हो जाए, उन्होंने बड़ी कोशिश, बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सब और एज ए सिविलियन हम लोगों को होना भी चाहिए। सहजवान की आबो हवा कभी ना ख़राब हुई है और जिंदा रहते रहते तो कभी खराब होने भी नहीं दी जाएगी। लोगों ने सहजबान को एक पल्ले पर रख दिया तराजू के और एक पल्ले पर उन्होंने अपने चुनाव को रख दिया, ये मुझे जरूर कहना है। लोगों ने अपने सहजबान को इस बात पे लगा दिया कि चाहे आग लग जाए, चाहे कोई लोग मर जाए बेशक, लेकिन मैं चेयरमैन जीत जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी तरह से माहौल खराब होने से भी अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जीत जाऊँ, जबकि मेरी सोच अलग थी। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम क्लियर अबाउट इट, क्योंकि आपने अगर देखा हो मैं आखिरी राउंड में मैं बाहर था, प्रशासन ने कहा कि अंदर शोर हो रहा है आप लोग बाहर आ जाइए, चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन है वो और उनके साथ कुछ लोग अंदर थे। नहीं उनके साथ भी कोई नहीं था, उनके साथ वालों को भी निकाल दिया था। चेयरमैन साहब अंदर थे। हाँ वो अंदर थे। बाबर भाई अंदर थे जी, हम बाहर थे, मैं कैंडिडेट था, मैं भी बाहर था। काउंटिंग में अंदर क्या हुआ मुझे तो नहीं पता, मैंने उसका विरोध भी नहीं किया है। मेरी एक बात एक आप संजीदगी सुनिएगा, सिर्फ इसलिए कि उनका कहीं ऐसा ना हो किसी बात को लेकर के वो, और क्योंकि वो मन बना चुके थे, उनके पास सूचना आ चुकी थी कि बाहर माहौल तैयार हो गया है, तो मुझे समझ ही आने लगा था कि जैसे बाहर माहौल तैयार हो गया है ये इसका लाभ लेने के लिए कहीं अंदर किसी तरह की ऐसी घटना ना कर दें कि जिसकी गर्मी से बाहर और माहौल खराब हो जाए, इसलिए मैंने चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए बाहर जाना ज़्यादा पसंद किया बजाय वहाँ अड़के खड़े रहे। अच्छा अब एक बात हम आपसे करते हैं, खैर ये तो तमाम बातें हुई, वहाँ जो उस दिन हुआ जो परिस्थितियाँ बनी, अक्सर एक अवधारणा है कि मुस्लिम वोट भाजपा से दूरी बना के रखता है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो आपने अच्छी खासी सेंध लगाई और कुछ लोगों के बारे में आया कि सब आपके साथ दिल से जुड़े और वो जुड़े रहे लास्ट तक, आखिर तक वो लोग जुड़े रहे, तो ये कैसे किया? क्योंकि कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ, जो नॉन मुस्लिम वोट है उसको तो मुस्लिम कैंडिडेट्स ने अपनी तरफ खींचा, जब मीर मजहर अली साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जब वो थे तब भी ऐसा होता था कि एक बड़ा वर्ग जो था वो हिंदू कम्युनिटी का जो उनके पक्ष में रहता था, और उसके बाद जब हाजी नूरुद्दीन हुए तब भी उनसे अटैचमेंट रहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो जाए।
आपकी तरफ हुआ, क्योंकि अगर हम टोटल अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर भी बात करें तो आपको 9800 वोट मिले, तो जाहिर सी बात है इतनी आबादी नॉन मुस्लिम वोट की है भी नहीं, कुछ इधर उधर गया भी होगा, तो आपने जाहिर सी बात है वो मुस्लिम वोट ही कैरी किया, तो ये कैसे किया? देखिए मैं तो जो है ना, मैं इलेक्शन लड़ रहा था सहसवान के आवाम के बीच में, वो अलग बात है, और लोग कैलकुलेशन पर लड़ रहे थे, ख़राब बात है, मैं अपने मुँह से कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब आपने बात शुरू कर दी तो मैं कह दूँ, कुछ लोगों ने जब ये देखा कि यार ये आदमी तो हर जगह है, हर जगह इसका वोट है, और जब ये चर्चा उन लोगों ने आपस में करना शुरू किया तो इलेक्शन भी जीत सकता है, इसको बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट भी मिल रहा है, तब उन लोगों ने माहौल तो वहीं ख़राब करना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने 70-30 कहना शुरू किया तो उन्होंने माहौल ख़राब करना मेरे हिसाब से शुरू कर दिया। योगी जी से सीखा उन्होंने 80-20? नहीं, मैं सहसवान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो 70-30 कहना शुरू किया उन्होंने माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी वो जो लोग मेरे साथ पैर से पैर बांध के चले, कंधे से कंधा मिला करके चले, पोलिंग वाले दिन भी मेरे साथ रहे, काउंटिंग वाले दिन भी मेरे साथ रहे, आज भी वो लोग मेरे साथ हैं, वो कहते हैं कि हम सहसवान के लिए आपके साथ हैं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं संतुष्ट भी हूं कि सहसवान में अभी सहसवान को किसी भी बुरी नज़र से महफूज रखने के लिए बहुत लोग अभी जिंदा हैं, बहुत लोग अभी तैयार हैं, वरना जिस तरीके का माहौल यहाँ बना दिया, देखिए क्यों आप किसी शहर के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा लोकल इलेक्शन है, ये बड़ा इलेक्शन तो नहीं है, ये एक लोकल इलेक्शन है, इस लोकल इलेक्शन में हम सहसवान की बेहतरी के बारे में क्यों नहीं बात करते, हम क्यों नहीं बात करते कि हमने ये काम करा है, हम ये कराएंगे, आप सामने आए, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको क्या कराना है, आप मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी तरह से ये कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कितने स्कूल्स नए डेवलप करूंगा, कैसे मैं प्योर वाटर पीने, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे इलेक्शन में मेरी तरफ से चले, मुझे अफसोस इस बात का कि बाकी किसी कैंडिडेट की तरफ से वैसे मुद्दे नहीं आए, जबकि हम लोकल इलेक्शन की बात जब करते हैं तो अपनी चार दीवारी के अंदर का इलेक्शन जो लड़ते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने मुद्दों की बात करें, ये कोई नेशनल इलेक्शन नहीं था, ये हमारा अपना इलेक्शन था, उनको उस मुद्दे से ध्यान भटकाकर सीधे सीधे उनको सांप्रदायिकता का रंग देते हुए, उनको बंटवारे का रंग देते हुए करना ये ठीक नहीं। अगर हम बात करें ओवरऑल पॉलिटिक्स की, वो नेशनल भी हो सकती है, वो राज्य भी हो सकती है, वो ये हमारी छोटी छोटी हो सकती है, कम्युनलिज्म कुछ ज़्यादा ही इलेक्शन के अंदर पे हावी होने लगा है, और देखिए इस तरह के आरोप भाजपा पे भी लगते रहे हैं, इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लगते रहे कि आप यादव वाली राजनीति करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी पर भी लगते रहे कि आप जातिगत राजनीति करते हैं, मुझे ये लगता है कि अब कोई भी इलेक्शन इससे अछूता नहीं रहा, एज अब आप क्योंकि राजनीति में आप एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, अब आपने राजनीति में एंट्री कर ली है, यूथ भी है, आप लोगों की नजर भी रहती है, क्या राजनीति में सब चीजें होनी चाहिए? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे, नॉट अबाउट सहसवान, मतलब एक ओवरऑल राजनीति में जो एक कम्युनलिज्म एक सांप्रदायिक जो तड़का लगाना शुरू हो गया है, क्या ये होना चाहिए देश में या प्रदेश में, जो भी राजनीतिक तौर पर जो देखकर देखने को मिल रहा है आजकल? अनवर भाई मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसकी जगह होनी भी नहीं चाहिए, और दरअसल मैं जिस पार्टी से आता हूँ, जिस संगठन में मैं काम करता हूँ, उसमें उसकी जगह है भी नहीं। मैं बताऊँ कैसे, आप पार्टी में जाइए, आप दानिश आज़ाद अंसारी से मिलिए, आप जाइए हमारे डॉक्टर हुदा साहब, यहाँ सहसवान में कई सभाएँ करके गए, आप उनसे मिलिए, तमाम ऐसे नाम मैं आपको दे दूँगा, शाहनवाज साहब से लेकर, मुख्तार साहब से लेकर, तमाम ऐसे मैं आपको नाम दे दूँगा, नकवी साहब से लेकर, कि जिनसे आप मिलोगे तो आपका ये वहम एक तो दूर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं आपको राजनीति की बात अगर मैं कहूँ, जितना मैंने पार्टी की बैठकों में भी जाता हूँ, पार्टी के कार्यक्रम भी अटेंड करता हूँ, हमारी पार्टी विशुद्ध रूप से अंत्योदय पे काम करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति पे, उसके विकास पे काम करने के लिए कर्तव्य से काम करती है। अब आप ये बताइए कि अब ये इलेक्शन तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले परिवारवाद की राजनीति नहीं होती थी? इलेक्शन में पराजय हो गई, इलेक्शन अब ये चुनावी सीजन तो खत्म हो गया, अब फिर 5 साल हैं, संघर्ष भी करना है इन 5 साल, अब क्या है फ्यूचर को लेकर प्लान? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा भी होगा, अभी हमारी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक भी हुई, उससे पहले हमारी व्यवस्था बैठक हुई, मैं भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से सिपाही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है, कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता के बीच में रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में फिर से लगातार हमने काम करना शुरू कर दिया है, अगले चुनाव की तैयारी में जुटेंगे, मेरा केवल ये निकाय चुनाव मेरी प्राथमिकता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत राजनीति की बात कर रहे हैं,
मेरी व्यक्तिगत राजनीति मेरा संगठन की राजनीति है, मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, संगठन मुझे काम देता रहे यही मेरे लिए काफी है, मुझे कोई और अपेक्षा नहीं है। आप विश्वास मानिए सहसवान की, जहाँ तक आप नगर पालिका चुनाव की बात करेंगे, आप अनवर भाई हमारी व्यक्तिगत भी कई बार बात हुई है आपसे, तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही रहा है कि सहसवान को कैसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएं, इसके लिए मैं चुनाव लड़ा। मेरा कोई निजी उसमें वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में आए हुए मुझको भी अब सक्रिय राजनीति, चुनावी राजनीति करते हुए मुझे 6-7 साल हो गए, उससे पहले मैं संगठन की राजनीति कर रहा था, तो आप ही मुझे देखा होगा कहीं किसी तरह का धब्बा मैंने अपने ऊपर आज तक लगने नहीं दिया है। देखिए इस इलेक्शन में अगर बात धब्बे की जाए, तो इस इलेक्शन में लोगों ने तो ये प्रयत्न तो कर रहे हैं कि वो छवि जो है वो उस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि साहब इसमें जो जो ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि जिस अनुज माहेश्वरी को मैं जानता हूँ, हम लोग ऐसे फ्रेंड ऐसे दोस्त, तो हमारी तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, हम टूरिस्ट भी बन जाते हैं, हम दार्शनिक भी बन जाते हैं, तो क्योंकि मुझे वो सुन के अजीब सी सारी चीज़ें लगती हैं एज ए फ्रेंड, क्योंकि जितना मैं अनुज माहेश्वरी को जितना जानता हूँ, हम लोगों के बीच में कभी कोई धर्म को लेकर कभी कोई बात होती ही नहीं है। अब ये एक पोर्ट्रेट तो किया जा रहा है अनवर भाई, उसके पीछे कारण है, बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग, सांप्रदायिक हो नहीं, मेरी बात सुनो, बड़ी संख्या में सभी समाज के लोगों का जो मुझको प्यार मिल रहा था इस चुनाव में, उससे डर के, उससे भयभीत होकर के कि भविष्य में कहीं ये परिस्थिति दोबारा और बड़ा रूप लेकर के ना आ जाए, ये 10,000 पे पहुंच गया कहीं और आगे ना, इसलिए उस डर की वजह से इन लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा है, मैं इसको षड्यंत्र का नाम देता हूं। और अगर वास्तविक रूप से इसकी जांच कभी हुई या वास्तविक रूप से इसकी कभी बारीकी से चर्चा हुई, तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। ये एक षड्यंत्र था, इसमें दोनों काम करने का था कि एक तरफ तो अनुज की छवि को एकदम से ख़राब कर दो, उससे दोबारा ये हमारे एक कम्युनिटी में जाकर के घुस के कहीं वोट ना इकट्ठा कर पाए, दूसरा एक दबाव की स्थिति वहाँ पैदा कर दो। तो दोनों काम उन लोगों ने करने का काम किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सहसवान के लोगों पर, क्योंकि लोग उस वाक्य के बाद से लगातार मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने हमने तो और बड़े नेगेटिव छवि बना ली थी उस दिन, लेकिन मामला अब सब सामने आ रहा है धीरे धीरे, इन लोगों ने बड़ा गलत किया। लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, आज नहीं तो आज के दिन लोगों के सामने सब सच आ जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ और क्यों हुआ। मैं दोषी तब होता अगर वहाँ पर लोगों को मैंने इकट्ठा किया होता, मैं दोषी तब होता जब वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए मैंने बुलाए होते और बाहर के लोग आए होते। बाहर के लोगों का आरोप लगाने वाले वो लोग अपने गिरेबान में जाके इतनी बड़ी तादाद में आसपास के गांव से लोग आए कैसे, एक सवाल कोई उनसे भी तो जाकर के पूछे वो लोग कैसे अचानक आ गए। आपने वहां जाकर गाँव में जा जा करके लोगों को कहा तब अगले दिन लोग वहां आए। मेरे पास तो सभी तथ्य हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आज आपने कहा ये बात कह दी तो मैंने जवाब दे दिया, वरना मैं चाहता, मुझे कई लोगों ने कहा कि अनुज भाई आप अपनी जगह ठीक हो, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर आके कहना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं कहना है, अगर मुझे जानने वाला कोई है वो मुझको गलत समझता है तो इसका मतलब मुझे जानता ही नहीं है, तो इतनी सी बात है। बाकी आज आपने कहा है तो मैंने सारी बात आपके सामने रखी है, और आप यकीन मानिए आज नहीं तो आज के दिन ये चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा कि कैसे सहसवान की छवि को ख़राब करने की कोशिश हुई। मैं वहाँ काउंटिंग में था, मेरे घर पे कुछ लोग वहाँ से आते हैं, मेरे घर पे पत्थर फेंकते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं मेरे घर पे ज़बरदस्ती की गाली गलौज, नारेबाजी बदतमीजी करते हैं, इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप? कुछ लोग चौराहे पर, मेन मार्केट के चौराहे पर अपनी दुकान का शटर डाउन करके ये कहते हैं तुम लोगों की अभी भी आंखें नहीं खुल रही, वहाँ पर देखो वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, चलते क्यों नहीं हो, बाजार बंद करो। किसी डॉक्टर के यहाँ 15 मरीज बैठे हैं, डॉक्टर परेशान, मरीज परेशान, किसी की दुकान में ग्राहक बैठे हैं, ग्राहक परेशान, दुकानदार परेशान, खोले तो आफत, बंद रखे तो आफत, क्या करें। मैं बाजार में उसके बाद लगातार घूम रहा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ तो लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की, और सभी वर्ग के लोगों ने जाहिर की कि अरे अचानक ऐसा माहौल ख़राब देखिए हो गया। फिर मैंने उनसे जब दो सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है कैसे हुआ, उन्होंने कहा हमको सब पता है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म जरूर करना चाहता हूँ। हमें तो आखिर ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। साथियों ये थे हमारे साथ अनुज माहेश्वरी, और इलेक्शन के पीरियड में तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आज हम बैठे तो विस्तृत चर्चा की गई, और उस दिन को दोबारा से हम लोगों ने फिर से उस दिन को जिंदा किया कि उस दिन एक्चुअल में क्या क्या हुआ, और
सेसवान के एक नागरिक के तौर पर वो आपको भी चिंतित होना चाहिए उसके लिए, और वो मुझे भी चिंतित होना चाहिए। और साथियों मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।